इतनी मस्ती से पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर टांगे हिला रहा था कि दड़ दड़ धड़ा, हाय मैया रे, ये कमर अब ना सीधी हुई। अरे दोष किसको दूं, मेरी ही मति मारी गई थी, तभी ना पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठा। 30 साल, long 30 years, सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा एक ही पोज में बैठा हूं। अरे क्या करूं, बगीचे का मोह जो नहीं छोड़ता। इस 6 कोड़ी जमींदार ने जीते जी जिस भी जमीन पर नजर डाली उसे हाथ से हड़प लिया और गटागट निगल गया। बस निगल ही नहीं पाया तो ये बगिया, क्या करूं, मेरा ही दोष है। सोचा किसान का पट्टा फलों के पेड़ लगा रहा है, लगाने दो, बगिया सजा रहा है, सजाने दो, इसकी सजी सजाई बगिया हथिया लूंगा, खाऊंगा, पकने पर फल खाऊंगा, फल पके और मेरी उम्र भी पके, और फल टपकने से पहले टप से मैं ही टपक गया। आ रही है पकी पकी खुशबू, आ रही है, आ रही है पकी पकी खुशबू, आ रही है, आ रही है पकी पकी खुशबू। तुम्हारा इकलौता दोता हूँ। दोता दोता कटहल का कोफा,
बड़े पार्टिकल आए हैं, फुर्र फुर्र उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं मतलब? अरे मैं तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा हूँ। छोटी बेटी का बेटा? तेरा बाप नरेंद्र है? हाँ। वो तेरा बाप कैसे हो सकता है? वो तो मेरा सबसे बड़ा दामाद है। बड़ा दामाद? अरे ये कैसे हो सकता है? अरे पांचों दामादों में वही तो सबसे लंबा ऊंचा। अरे लंबा होने से बड़ा होगा। छोटा दामाद मेरा बाप? नहीं नहीं, तेरा बाप कोई और है। 6 महीने पहले उसकी तेरी ही की, पर मुझे ही पता नहीं कि कौन मेरा बाप है। अरे तेरी उड़ी से नहीं चलेगा मुन्ना। तू ला के इधर दिखा कि तेरा बाप नरेंद्र है कि हरेंद्र, नहीं तो तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से दफा हो जा। देखो ना ये ट्रिकली रहने दो, चाहे कुछ भी करो लेकिन मुझसे पार ना पाओगे। ये लुपा छुपी का खेल किसी और को दिखाना। अब जब मैं आ ही गया हूँ तो बागीचा लेकर ही रहूंगा। हाँ बागीचा लेगा? अरे बागीचा ना हो गया, लॉलीपॉप हो गया। अरे बेचूंगा बैठे खाती से एडवांस के रुपए लेकर बैठा हो गया ना। अरे गोपे तूने मेरी जायदाद एडवांस खाकर हड़ दी है। हाँ, अब माला मिलने पर पीट पीट कर चमड़ी उखेड़ देंगे तेरी। तो अबे तूने मेरा ही गला दबोच लिया। गड्ढे में गिरा ना, प्लीज मना मत करना। अबे तूने मेरे सीने में छुरी ठोकी है। चार हजार रुपये महीने के अलग। अरे काम क्या,
गुदाम है चाचा। अरे चलो चाचा कोर्ट ले चलो, एक मुसीबत वो हो ही जाए। अरे घी खाओगे? अरे दूध पियोगे? अरे इस ठिठुरती ठंड में ये फटी ककड़ी? अरे नहीं 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 नहीं, अब तो बच्चा कश्मीरी शाल ओढ़ेगा। वाह वाह वाह, तो बच्चा कश्मीरी शाल ओढ़ेगा। वाह वाह, बड़ा लालची है ना तू, बड़ी हसरत थी एक शाल की। अपने छोटे का भाई नरेंद्र को बोला, अरे ओ नरेंद्र मुझे एक शाल ला। कहाँ मुझे इस जिंदगी का शाल मिले? क्यों क्यों नहीं मिले? दादी मेरे घुटने कमजोर हो गए हैं, अरे छाती के पिंजरे में बंद दबाव निकले के तब यमराज रोज आके लौट जाता। अगर इसी अमावस को चला जाऊं तो अमावस मुर्दा है। ये क्या कह रहे हैं? नहीं बन चुका मैं, नहीं बन चुका। मजबूत पिंजरा है, क्या सेहत है, क्या चोरी चकली हड्डियां है, क्या मजबूत पंजे हैं। जियोगे चचा, और तुसियों शाल की कीमत घर बैठे वसूलोगे? पाछा कश्मीरी शाल ओढ़ेगा। पाछा 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 पाछा, अब तो पाछा कश्मीरी शाल ओढ़ेगा। कितना दिया?
39। एक और दीजिए। चचा, ओ चचा, आज पहली तारीख है। चचा, दीजिए। क्या? एक और पत्ती लगेगी। अबे मारना है तो एक मारना। तू तो सारा पत्ता भी नहीं है और ये बाकी सारे हाथ में नहीं आता। तीन महीने में 12,000 रुपये स्वाहा। चचा, ओ चचा उठो, आज पहली तारीख है, किस्त के रुपए नहीं लोगे क्या? उठो, ये लो पकड़ो। हाँ, और यहाँ पे अंगूठे का टीक दो भैया। मालिक, कहो। बुखार बहुत बढ़ गया है मालिक। बुखार तो बढ़ गया है पर असल काम तो कुछ नहीं हो रहा है। अबे ये भूलना ही तो मुझे चुना है। भूलने पर भी इंसान जिंदा कैसे रहता है आप तक नहीं समझ पाए। इंसान की जान है ना मालिक। बाबू लोगों के घर में जैसे ही शरीर फूला वैसे ही ढाल से गए। अब की बार शायद आप पूछे बचा नहीं पाएंगे मालिक। अरे अब ये शायद है क्यों? अरे इतनी बीमारी भोग कर भी जिंदा रहने में क्या रखा है बाजा? क्या कहते हैं मालिक? अरे आप तो कहते थे मुझे जिंदा रखेंगे, मेरी दवा दारू करेंगे। अरे जब कहा था तब कहा था, अब हालात बदल गए हैं। लेकिन अगर जिंदा नहीं रहा तो शाल कैसे उड़ाओ? बस शाल की रट लगाई हुए। बड़ी हसरत थी एक शाल की। अरे मेरी भी कभी बागीचे की। अब साल भर मेरे रुपयों से जिंदा रहकर शाल ओढ़ोगे भी तो क्या अच्छा लगेगा? अच्छा दिखेगा मुझे? नहीं लगेगा क्या? अरे खुद सोचो, अच्छा दिखने की बात है। दांत कलाए बैठा हूँ, आधा मुंह में आधा बाल, आधा मुंह में आधा बाल, आधा मुंह में आधा बाल। ऐसी सिचुएशन अच्छी है? तब तो मुझे ही मरना चाहिए। लेकिन ये बाग बगीचा छोड़ के कैसे चला जाओ बाले? अबे तुम खुद सकते हैं। कैसे लूज करेक्टर की तरह बकवास कर रहा है? मैं कैसे मालिक? आजकल दूध पी रहा है। मेरे रुपयों से दूध पीकर अब मेरे ही सामने जिंदा होता जा रहा है। बकरी का दूध उम्र बढ़ती है। चुप, बकरी के पेट में भी बकरी का दूध है, उसकी उम्र क्या बड़ी लंबी होती है? क्या बताओ की तरह ये बात है भैया? देखो यार, ठीक ठीक से सोच कर समय दे डालो कि कब मरोगे। हाँ चाचा, बड़ा ही ढीला ढाला मामला चल रहा है। मान लो तुमसे पहले अगर लोकू भाई तय बोल जाए तो। अल्लाह ना करे मालिक, अगर आपको कुछ हो गया ये सारी लिखा पड़ी यही की यही रह जाएगी। तो पाछा भैया समझ रहे हो ना, मुझसे पहले तुम्हें ही मरना चाहिए ना। अरे यार जब इतना सब समझते हो तो ये दूध मूंग बेकार की बलकारी चीजें पीने से भागा। अरे रुपया दे रहा हूँ, छोले भटूरे खाओ, पकौड़ी वकौड़ी खाओ। अरे खर्रा मजा पियो यार। अरे बचपन में ये दूध मूंग बहुत यहाँ पिया, अब जरा 90 साल की उम्र में थोड़ा खर्रा वरा चढ़ाओ यार। पानी मिलेगा? पानी? पानी की सब पानी की रख लगाए हुए। उंगलियां तो कुत्ते की तुम की तरह एकदम टेढ़ी हो। तो सीधी करके देखना, एकदम दे दे।
आप एकदम निश्चित हो जाएंगे। अगर ठीक ठीक दिन का पता चल जाए तो और भी सहूलियत हो जाएगी। सिंह राशि मामा जी राक्षस गण अबे ये जानकर मन छोड़, असली बात बता, आयु कितनी है? आयु बहुत लंबी है मामा जी, मेरा मतलब है लंबी आयु रेखा है। जी सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर करने के लिए है, बृहस्पति की दशा है। चल घर जा। क्या हुआ मामा जी? बहुत हुआ, अब घर जाकर अपनी बीवी का हाथ देख। क्या चरस की बात है, जिस घर में जाता हूँ आए लंबी सुनकर सब खुश होते हैं, मैं इसी से बनाकर बढ़ा चढ़ा कर मोड़ता हूँ। बढ़ा कर मोड़ते हो घटिया दोषी, तेरा शीशा विशा काली घाट सब कट गया, लूज कैरेक्टर सब निकल रहा है। मामा जी एक बार न्यूमरोलॉजी से देखो। अबे न्यूमरोलॉजी या पॉकेट मारो लॉजी, सगे भाग का घर। हाँ, सभी तुम्हारे सगे हैं, लेन
सकते थे। आए ना वो बुआ मेरे यहाँ, मैं भी खदेड़ दूंगा। हाँ हाँ, उसके बाद ले गए थे अपने सके ताऊ के यहाँ। ताऊ, ताऊ भी नहीं छोड़े दिए। अरे ताऊ ना गऊ, गऊ की तरह बुद्धू है, तभी तो तुम जैसे सुंदर बहू की कदर नहीं की। अरे पैर नहीं छूने दिए। मेरा नाम भी गऊ भी है, आए ना ताऊ मेरे पैर छूने छूने नहीं दूंगा। कोई नहीं है, तुम्हारा कोई सगा संबंधी है ही नहीं, लोगों के घर में डेरा डाले रहते हैं। पहले अकेले थे तो फिर भी चलता था, अब के मैं भी साथ में थी, बीवी समेत बेकार है खाने को कौन पालेगा वाला। अरे मैं के लोगों के घर रहने गया था, मैं तो रिश्तेदारी का टेस्ट लेने गया था। मेरे बाबू को नाना, बहू को बुलाओ। अरे किसकी? तेरी
क्या किया है? अरे 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 फर्स्ट क्लास क्या हरी हरी लौकी की लतर सी बहू लाया है? माफ कर दे। क्यों रे भैया? तुमसे लड़ झगड़ कर चला गया था ना, तुमने ठीक ही कहा था कि धरती माँ होती है, माँ अन्नपूर्णा। हम इसे बर्बाद नहीं करेंगे नाना, मैं और पद्मा दोनों मिलकर इस बागीचे को हरा भरा रखेंगे। इसे हरा भरा रखोगे? अरे अब ये सब मेरे हाथ में नहीं रहा। नहीं रहा? सब मालिक के नाम लिख दिया तेरे मरने पर सबूत का। ए ये कैसा प्रयास कर दिया? अरे सर्वनाश न कर, कब तेरी पति पल देगी, कब तू बगल में बहू दबा लाएगा, इसी आस में बैठा रहा हूं। अरे मालिक ने जबान दी मेरे नाम का बोर्ड लगा रहेगा, लिखा रहेगा बाचा का पालिका बगीचा। क्या कह रहा है? अरे पद्मा कच्चे बेटा दबा देगा, छोटे दांती के लिए एक पत्ता तक नहीं छोड़ा पद्मा, अब देखो एक छोड़ा। अरे गोपे ये सियार कहीं बोल रहा है, वो मेरा सब प्रेस कर देगा उसको पकड़। अरे ये सियार जन्म हुआ तब से इस बाग में कभी इस पर हाथ साफ कर गुजर बसर कर रहा था। घर में चावल नहीं है तो चला आया, एक केले का गट्ठा चुरा के बेच दिया। आहा हा हा, क्या मजे के दिन बीत रहे थे। अब नौ कोड़ी के हाथ में बाग चला गया तो हाथ की सफाई कैसे दिखाऊंगा। पद्मा ये है हमारे गांव के मशहूर घरेलू चोर। बस अब अपनी राह थोड़े ही रख पाऊंगा, नौकरी के हाथ में बाघ चला गया तो चारों तरफ कंटीले तार लगाएगा, चौकीदार बिठाएगा। अब अमीरों का माल चुराना क्या मेरी तरह छोटे मोटे चोर का काम है? ए, क्यों लिखा बड़ी की है? और अगर कर ली थी तो मुझसे कंसर्न क्यों नहीं किया? अबे तू मेरा माल चुराएगा और मैं तुझी को कंसर्न करूं? क्यों नहीं करोगे? जन्म हुआ तब मैं माल चुरा रहा हूं यहां से, आखिर मेरा भी तो कोई लाइक है। अब तुम बताओ जिस घर में कोई किराएदार रहता है उसे कभी बेचा जा सकता है? ये कैसे बेच सकता है? तो मैं भी तो इस बगीचे का किराएदार जैसा ही हूं ना। ए तेरी पोटली में क्या है? ले चार नारियल है। अरे मैं इधर बैठा का बैठा रह गया और ये साला चार नारियल बांट रहा है। देखो अगर तोड़ते समय नहीं ना पकड़ पाए तो आप पकड़ने का कोई राइट नहीं है। चुप, अब भी तेरे पिछवाड़े तो लात से मार के तेरा राइट टाइट करता हूं। अरे अरे दे दो यार, घर में बच्चे राह देख रहे हैं कि कब बाप बाल मार के लौटे। हैं दे दे, क्या फायदा है? अरे अरे सबके पेट में लात से मार के क्या फायदा है मुझे? पद्मा चलो अब ये राह का क्या होगा, चलो कहां जाएंगे? चलो तुम्हें तुम्हारे बाप के पास छोड़ा हूं। मैं ना फिर उसी तरफ में तो फिर अब रहेंगे कहां? ये बुड्ढा फट से फूट जाएगा और नौकरी जूता मार कर मुझे यहां से निकाल देगा। चलो मरने से पहले तो नहीं निकाल सकेगा ना गोपी? हैं जब तक जिंदा रहता ना रहते रहेंगे। कैसा बाग बगीचा, खुला आंगन, तालाब का पानी, मैं ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी नाना। मैं सब समझता हूँ लाडो, पर मेरे लिए जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। हम तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे नाना। इधर तो मुझे नहीं छोड़ोगे, उधर वो भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे समझते क्यों नहीं, जरा से नफे के लालच ने किस्तों का बंदोबस्त कर दिया। अब अगर रुपए खाकर साल छह महीने जिंदा रहूं भी तो मालिक के साथ नाइंसाफी ना होगी। तीन महीने, सिर्फ तीन महीने का समय दे दो नाना। नहीं नहीं मालिक नहीं मानेंगे। अरे यार तीन महीने की तो बात है, तब तक ये लोग भी कुछ संभाल लें और मैं भी थोड़ा माल वाल मार लूं। मैं तो मेरा माल चुराएगा और इसीलिए मुझे जिंदा रखा। नहीं 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 मैं तो आज ही मरूंगा,
को मैंने रस्सा लटका रखा है। अरे मैं तो चला मरने, अरे मैं शर्म भया खोल के थोड़ी ना पी गया हूँ। ना ना, अरे बैठा बैठा रुपये खाता रहो, मैं नहीं कर सकता, मैं तो चला मरने। अरे अरे बुलाओ, अरे नाना, अरे मैं किसकी जानी में पड़ गया। दो दो मुखोरों की खा, एक बगल में बहू दबाए है तो दूसरा नारी। अरे मैं किसकी जानी में पड़ गया। चलो अंदर, जाकर बार बार लोटन कहने की जरूरत नहीं। क्यों, शिष्य नहीं कह सकती
नहीं कह सकती, जो कह सकती है उसके पास जा, चोला मैं कहता हूँ कितना। क्या हुआ चपरे? बिंदी कहा था मेरा छोटू कैसा तगड़ा तड़ंगा हुआ है, देख कर आके ठंडी हो जाती है। तुम लोग मुझे पसंद है, रुपये दो मैं चला जाऊं। बेशर्मी की है, तभी रुपयों का गट्ठर बांध के ले जा सकते हो, अलग में जाकर फूंक सकते हो। रुपये मेरे पास है भी नहीं। What? आ, जब तक बाछा नहीं मरता दूसरी तरफ नहीं देख सकता। कमीने, अच्छा अच्छा लूट कर करा तो क्या करता, तेरा धोती कुत्ता सोने का बटन सब खा लिया। ये गिलास किसने इस्तेमाल किया? वही कमबख्त पानी पी रहा था इसने। ये पानी है? पानी है? आपका माल माँ के सामने बैठा बैठा पी गया। देश की शिक्षा की ये हालत हो रही है। क्या होगा रोकर, हालात बैठ लग, वरना हम लोगों की ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए थी। सुनते हो जी, क्या ये बुढ़ा कब मरेगा जी? अगली पूर्णमासी को। बुढ़े में ये रेजिस्टेंट पावर तो कुछ है ना? अरे ये क्या चीज होती है जी? वो जो तुम में ज्यादा है। हाय मां, मेरे में क्या चीज है? ए बदन मत छू यार, मेरे में जरा कम है। मैंने कल सपना देखा कि बुढ़ा गया। अच्छा सपना देखा, देखे जाओ सपनों से काम बनता है। बाबू जी बागीचे की मिल्कियत मिल जाना कोई हंसी का खेल नहीं है। पूरी दो पुश्तों से खींचा ताली चल रही है, पूरी दो पुश्तों से खींचा ताली चल रही है, पूरी दो पुश्तों से खींचा ताली। अब खत्म हो जाएगी, इससे पहले ही खत्म हो जाती। होने नहीं दिया उस पद्मा रानी ने। बुढ़ा तो उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मेरा रुपया, मेरा माल खाकर अब अनार कली हुई जा रही है। शर्म ही नहीं आती, उधर न गरजती है कचहरी जाकर वसीयत नामा खर्च करवा लो। आपने
टोक दिया ना। अबे तो कौन से उसके घर जा रहा था, सारा दिन पर घूमता रहता है। बड़ा बिजी हूँ भाई साहब, काल पर जा रहा हूँ। बैठ, तेरे से सरों में बात करनी है, बाद में सुनूंगा। तो बच्चा कपाली की हालत बहुत खराब है। किसकी? छाती बलगम से जकड़ी पड़ी है। पहुँचाना। वो भी काफी पहले बुलाने आया था, जाऊँ देखूँ क्या हाल है। ए जी, क्या जी? आखिरी सफर के लिए तैयार हो जाओ। अरे भाभी जी, आपने तो किसकी छाती पर मालिश कर ली है? अरे आपके डाक ये बंगला लिख के मुझे बड़ा फायदा हुआ है।
यहाँ थोड़े ही आ सकता था, अरे हिंदू थोड़े ही सकता था। क्या ढेर करती है, रुपए देंगे आज तक आप लोग लोगों के घर रुपए लेने गए, लोगों ने दिए और आपने लिए, आज आप देंगे और हम लेंगे। आप चिंता ना करें मालिक, ये धरती इतना अंधेर गति और बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे मौत की घंटी की आवाज सुनाई दे रही है मालिक, बस एक महीना और की बातों में मत आना, इसकी नेचुरल डेथ नहीं होगी, मार डाल खत्म कर इसे, ए मार डाल लोगो। सिर्फ 3 महीने का समय और दे दो। 3 महीने पूछ
पूस के बाद एक दिन के लिए भी नहीं। अबे तेरा पूस पास था मेरा सर्वनाश। आज पढ़ूंगा नहीं कल पढ़ूंगा, रोज कहते कहते उस आदमी के सामने झूठा बनना पड़ता। भला आदमी क्या सोचता होगा, अरे दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा है, आंख उठाकर नहीं देख पाता उसकी। अरे तू एक आदमी की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नहीं नहीं, तो एक सेकंड भी नहीं, आधा भी नहीं, पौधा सेकंड भी नहीं, तुम्हारा बाप भी देगा। समझते नहीं नाना, इस समय तुम आगे पलटोगे तो पद्मा कितनी मुसीबत में पड़ जाएगी। अरे पेड़ के नीचे पड़े रहने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। वही पेड़ के नीचे तेरा चांद का टुकड़ा आएगा, सर्दी में गर्मी में बरसात में वो टैकल करेगा। ए फिर अच्छे कुछ बोलोगे तो बोल सकते कि तुम्हारा बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। कहना हो तो अपने दोते को कहो। और क्या मुझे बोलो, मेरे बच्चे को कुछ कहा ना। एकदम जरा दिमाग लगा, समझ गया नाना। इधर बैठो नाना, नाना बस बहुत दुबाता है, बैठ जा ना। 3 महीने का समय दे दो नाना। अरे अरे पद्मा, अरे हॉर्नेट, अरे ये तो तुम्हारे लिए है। जिसे जरूरत है उसे दे रही हूँ। सुनो तो पद्मा, ये दवाई इसके लिए पॉइजन है। अरे तुम ये दो अंडे खा लो, मेरे नहीं है मुर्गी के हैं। ताकतवर आता है भाई, तुमको हम चंगा करते रहेंगे। अभी झुककर बैठे हो ना धनुष की तरह, इसके बाद तीर की तरह सीधा खड़ा कर देंगे। अरे एक मुर्गी से अंडा चुरा के दूसरी मुर्गी को खिला रहा। अबे चल, ज्यादा बातचीत की तो सर फूटेगा। अरे नौकरी दत्त ने समझ के क्या रखा है, इतनी आसानी से जीत जाएगा। अरे अरे डरते हैं, अरे देख वो फिर चोरी करने लगा है। अबे तू मेरा माल चुराएगा और मुझे को धमकाएगा, दो अंडे खिलाफ करेगा, मेरा मुंह बंद कर देना चाहता है। 3 दिन हो गए बच्चों के मुंह में दाना तक नहीं गया, आज कुछ हथियार के बेच के फिर खिलाऊंगा, ठीक है। अबे तो मांग ना, मांग के लेना मुझसे। हाथ ना बता दे फिर क्यों मांगू है। चुप कर यार, चुप कर, चुप। तेरा थोड़ी खा रहा हूँ, जो एक दिन सब कुछ हथियार आएगा उसी का माल थोड़ा कम कर रहा हूँ। अबे अबे ये चोरा सब चले गया मेरा। ये क्या खा रहा हूँ? मैं नहीं खा रहा बालक, बोलो जबरदस्ती मुझे खिला रहे हो। अगर तुम जो दूध पीते बच्चे हो जब खिलाओ। अपनी जिंदगी से साली नफरत सीधा कर दो, भी होने को नहीं आती। दुनिया भर के चोर चक्कों के लिए इसे घर सीधा जाना पड़ रहा है। तुम्हें एक भला आदमी समझता था भाषा। लो प्रभु यह वाइटामिन, मेरा आखिरी वाइटामिन, यही दुआ करो। कौन है घर में आके महाराज जी चमकराज कौन बना है? जो आदमी खुद मरना चाह रहा है कौन से मरने नहीं दे रहा है? कौन है? छोटा पकड़ के खदेड़ दे बेटा। अरे हाथ बुढ़े बुढ़े को चिल्लाकर कौन देश की शांति और मेरे बाप की शांति को भंग कर रहा है? देश का कानून और मेरे बाप का कानून तोड़ रहा है। कौन है ये लोग? देखो ना मेरा तो है ये बेटा, युवा दल है और ये लोग मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं। ये सब बाप बगीचा घर मेरे बाप का है। जो साला यहाँ डेरा करेगा टीट को दौड़ दूंगा। आज तक मेरे बाप ने सबका माल मार कर खाया है, मगर मेरे बाप का माल मार कर कोई नहीं खा सका, समझे? सो तो है गोबर। अरे मार डालिए, मार डालिए इसको, जब तक ये जिंदा रहेगा मैं नहीं मरने वाला। अरे कहता है पूस तक जिंदा रहो। पूस नहीं, जेट, जेट तक। अभी तो तूने कहा कि पूस में होगा। होगा तो, लेकिन होते के साथ ही बाल बच्चों को लेकर निकलना आसान है क्या?
पापा ने कहा है कि जब तक गर्दन सीधी नहीं होती निकल नहीं पाएंगे। हाँ उसकी गर्दन दे एक और मालिश हो रहा है बेटा। तुमसे एक बात नहीं कही जाती, कभी कहता है पूछ तो कभी कहता है कि तो एक आदमी की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपकी बात की रहेगी और इसकी आप मुझे भागी तथा कौए के घोंसले में कोयल के अंडे। चल बे युवा भी चल, वही तेरा कैसा होगा। अरे मैंने इसे मैं ग्राम सुधार समिति में लेता हूँ। अरे जाओ, ये सब पुट्ठों का काम नहीं है, युवा का केस है वही तय होगा। अरे ये पापा सुन रही हो? ठीक है तू इसे ले जा, मैं उसे ले जाऊंगा। ना 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 ना, तुम इसे ले जाओ मैं उसे ले जाऊंगा। ए पापा, अरे तू उसे संभाल नहीं पाएगा। क्यों चल सकते हो? मैं नहीं करूंगा।
तो मेरा ये नारियल करेगा। नारियल? अरे नारियल से ही काम होगा, जो होना है सो होगा। देखिए मुंह काट रखा है, तीन बार बुड्ढे को आवाज दिलाऊंगा, जैसे ही बोलेगा तब से मुंह पे दाब दूंगा, फिर बुड्ढा खत्म। इसे कहते हैं अंधेरे की पुकार, कनफट। मैंने भी ऐसे ही बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा है। चीर फाड़ का मतलब है कि शहर का पता चल
करूंगा। और रस्सी से बांध से बांध के मत ले जाइएगा, अच्छी सी खाट पे ले जाइएगा। बाबा कब से खाट वाट का इंतजाम करके रखा है? आप बड़े समझदार है मालिक, कीर्तन होगा ना? कीर्तन? नहीं नहीं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, कीर्तन वाले सब धान काटने गए। नहीं 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 अरे सुसाइड की कोई शर्त भी तो होनी चाहिए। कीर्तन नहीं होगा, घी नहीं बनेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? अपने घी कहाँ से आ गया? तो मैं लड़की की शादी में दहेज का मोह भंग कर रहा हूँ। महिलाओं के जमाने में घी नहीं छोड़ा। अरे नहीं नहीं दादाजी नहीं चलेगा, रेल सिंह भी नहीं चलेगा, गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए। और क्या? और एक साथ मेरे नाम से दाके छोड़ दीजिएगा। सान गाँव गाँव चलता फिरेगा। मैंने तो कुछ और भी लगा कुछ नहीं जा रहा है और साला मर के मेरे पास आएगा तो छोटा पकड़ के मारूंगा साले को। ए बोलने जा रहा है, ये टिकटोटी का डंडा गोला, ए पीने लगा रहा है, ए पीने लगा। मर नहीं सकूंगा मालिक,
मालिक